परी की शादी कर। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया परी, मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ। परी को दुल्हन के रूप में देख नीति का फूटा गुस्सा। नीति ने परी को दी बड़ी बद्दुआ। नीति की बातों से टूट गया परी का दिल। क्या परी राजीव के साथ फेरी लेने से करेगी इनकार? जी हाँ, क्या है पूरी खबर ये बताते हैं आप सभी को आज की इस वीडियो के अंदर। दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले पॉपुलर शो परिनीति की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से राजीव नीति के घर जाकर नीति को परी और राजीव की शादी का कार्ड देते हुए नजर आएगा, जिसके बाद नीति पूरी तरीके से टूट जाएगी और नीति की माँ भी ये बताएगी कि परी और राजीव अब एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्हें अलग करना बिल्कुल नामुमकिन है, जिसके बाद नीति फूट फूट के रोते हुए नजर आएगी। लेकिन राजीव और परी की शादी में आती जरूर है, जहाँ पे नीति परी को दुल्हन के रूप में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। इस तरीके से राजीव की दुल्हन के रूप में परी को देखकर बहुत ज्यादा नीति का गुस्सा फूटते हुए नजर आता है। यहाँ नीति इमोशनल होकर परी को बतुआ देते हुए भी दिखाई पड़ती है। जी हाँ, नीति परी के करीब जाती है और जाकर कहती है कि जिस तरीके से परी ने नीति को अकेला किया है, नीति से नीति का, राजीव, नीति का परिवार सब छीन लिया है, वैसे ही कुछ समय बाद परी भी ठीक इसी मुकाम पर खड़ी होगी। परी के पास कुछ भी नहीं होगा, ना राजीव यानी कि उसका पति होगा, ना उसका परिवार, वो बिल्कुल अकेली नीति की तरह खड़ी रहेगी। और नीति की इन बातों से परी का दिल बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुका है और परी अपने फैसले पे एक बार फिर से गौर फरमाते हुए नजर आ रही है। परी की आंखों में आंसू है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार नीति की बातों से क्या परी तोड़ देगी अपना रिश्ता, क्या टूट जाएगी एक बार फिर से राजीव और परी की शादी। वेल, क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।